जी हाँ, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मध्य प्रदेश में भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसने 1,00,000 के आंकड़े को शुक्रवार को ही पार कर दिया था। प्रदेश में अभी तक कुल 1,03,065 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में शनिवार को कोरोना से 42 लोगों की मौत हुई है, जहां मौत का आंकड़ा 1,943 तक पहुँच चुका है। प्रदेश में आज 2,607 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसे मिलाकर पूरे प्रदेश में 1,03,065 लोग संक्रमित हैं। इनमें से 79,158 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। शनिवार को ही 2,206 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। इस तरह प्रदेश में 21,964 एक्टिव केस है जिनका इलाज चल रहा है। प्रदेश के 4 महानगरों का कोरोना हाल जानने पर पता चलता है कि इंदौर अभी भी संक्रमितों में अव्वल बना हुआ है, जहाँ आज 408 केस मिले। भोपाल में 263, ग्वालियर में 218 और जबलपुर में 242 पॉजिटिव मरीज मिले। प्रदेश में शनिवार को 19,209 की जांच आई है, जिसमें 16,602 के जांच नमूने निगेटिव आए। अभी तक पूरे प्रदेश से 18,01,714 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश में अभी भी 7,513 एक्टिव कंटेनमेंट एरिया है और 747 फीवर क्लिनिक चल रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में जागरूकता की कमी के चलते यह हालात बने हुए हैं। तो बने रहे न्यूज़ लीडर्स के साथ, क्योंकि सच है तो खबर है।